हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल बार्ड लवर देवजीत। तो आज आप सबको दिखाएंगे कि मेरा जो जावास्पर है उसका बिगिंग प्रोग्रेस आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना, और पसंद आए तो एक लाइक कर देना, और जो भी व्यूअर्स मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए चलते हैं, और यहाँ पर देख सकते जो सिल्वर और फोन का जो प्यार था उसने इस बार भी पाँचों जो ब्लैक जावास्पर निकला हुआ है। ठीक है, क्या हो रहा है मुझे पता नहीं, लेकिन उसने फोन और सिल्वर ने पांचों ब्लैक जावा निकला हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं। लेकिन ये सही बात है कि ये जो प्यार है बहुत ही अच्छी तरीके से जो अपने चीक्स को मेंटेन कर रहा है वो अच्छी तरीके से फिलिंग करा रहा है, और बहुत ही हेल्दी चिक्स हुआ है। लेकिन मुझे एक भी सिल्वर या फोन का चिक्स देखने को नहीं मिला। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पांचों ब्लैक जावास्पर है। ठीक है, ऊपर देख सकते हैं सिल्वर जावा और फोन जावा। क्या पता क्या हो रहा है, इसके साथ लगभग दो क्लच हो चुका है लेकिन ब्लैक चिक्स ही आ रहा है। ठीक है, तो चलिए चलते और नीचे वाला जो दो प्यार है वहाँ पर भी आपको दिखा देते उसमें क्या चिक्स आया है या कुछ क्या प्रोग्रेस आया है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये जो अगले क्लच का जो मेरे पहले वाला क्लच का चीक्स यहाँ पर रखा हुआ है। तो चलिए चलते, और यहाँ पर दो प्यार मेरा जावास्पर एडल है उसने भी ब्रीडिंग किया हुआ है। तो चलिए यहाँ पर देखते इसने क्या रिजल्ट किया है। तो यहाँ पर चलिए नीचे वाले मटकी में, पहले ऊपर वाले मटकी में देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं लगभग यहाँ पर भी मैंने देखा है पाँचों चीक्स है और दो अंडा खराब हो चुका है। ठीक है, और इसको निकल के बाहर फेंक दूँगा। तो ये अंडा अभी नहीं फूटेगा, ये ख़राब हो चुका है, और पांचों चिक्स भी एकदम हेल्दी है। और नीचे वाले मटके में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर भी चिक्स है, और यहाँ पर जो चिक्स है वो थोड़ा बड़ा हो चुका है। और एक बात, मैंने जो मटके के ऊपर ढक्कन क्यों खोल दिया है, क्योंकि अभी गर्मी के टाइम आ रहा है, और नेस्टिंग से जो ढक दिया है मैंने देखा है कि बाट को कुछ भी प्रॉब्लम वगैरह ना हो या प्रॉपर मटकी के अंदर वेंटिलेशन जा सके, इसलिए मैंने जो जावास्पर का ऊपर का मटकी खोल लिया है। ठीक है, तो इस सीज़न का मैं जो ब्रीडिंग लास्ट है, और इससे इस जावास्पर से मैं ब्रीडिंग अभी नहीं लूँगा, सभी बाट को रेस्ट में दे दूँगा। ठीक है, और देख सकते ये लास्ट क्लच का जो ब्रीडिंग है बहुत ही अच्छा मिला मेरे को, और मेरा जो जावास्पर बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है इस टाइम पर, जो इस क्लच में चिक्स हो जाने के बाद मैं, और इस सीज़न में ही मैं ब्रीडिंग रोक दूंगा अभी इस क्लच हो जाने के बाद ही। तो बाद में नेक्स्ट ईयर में मैं इससे ब्रीड लूँगा, ताकि मेरा जो बाट का हेल्थ में कुछ भी फ़र्क ना पड़े। तो आशा करते ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आए तो एक लाइक कर देना, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर देना। ठीक है, तो इस सीज़न का ये जो ब्रीड है ये लास्ट हो चुका है, और नेक्स्ट ईयर में मैं अभी ब्रीड लूँगा और बाट को अच्छा अच्छा खाना प्रोवाइड करूँगा। तो मिलते हैं।